कलेक्टर श्री प्रसाद और एसपी पहुंचे विजय राघवगढ़। फ्लैग मार्च में शामिल होकर मतदाताओं को दिया निर्भीक होकर मतदान करने का संवाद। कटनी में विधानसभा निर्वाचन के लागू आदर्श आचार संहिता का पालन कराने और निर्भीक होकर बिना डर या भय के मतदान करने, लोगों को प्रेरित करने के उद्देश्य से आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अवि प्रसाद और पुलिस अधीक्षक श्री अभिजीत कुमार रंजन के नेतृत्व में राजस्व और पुलिस बल द्वारा विजय राघवगढ़ में फ्लैग मार्च निकाला गया है। कलेक्टर ने गाँव से बाजार आदि के काम से विजय राघवगढ़ आए ग्रामीणों से चर्चा की और मतदान अवश्य करने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान कलेक्टर श्री प्रसाद ने संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्यवाही करने के मुख्य नगरपालिका अधिकारी सहित अन्य अफसरों को निर्देशित किया है। कलेक्टर श्री प्रसाद और एसपी श्री रंजन विजय राघवगढ़ के नवीन बस स्टैंड, आजाद चौक, अंधा मोड़ और संकट मोचन चौराहा सहित अन्य सड़कों पर भ्रमण कर फ्लैग मार्च में शामिल हुए। फ्लैग मार्च में एसडीएम महेश मंडलोई, तहसीलदार बी के मिश्रा और पुलिस अधिकारी मौजूद रहे हैं। कटनी से राजेश केवट की रिपोर्ट। देखिए, निरीक्षण है वो इस संदर्भ में किया गया था कि संपत्ति विरूपण अधिनियम के अंतर्गत जी कार्रवाई कैसे की जा रही है जी, और यहाँ पे कार्य संतोषजनक पाया गया है जी जी जी, निर्देशानुसार जी जी कार्रवाई की गई है जी। अच्छा सर, इसके बाद और भी कहीं भ्रमण होगा कैमोर क्षेत्र का? सर, ये आचार संहिता में किस तरह आम आदमी के लिए कैसे कैसे पालन करना है, थोड़ा सा जानकारी दे दें सर। आम आदमी के लिए क्या क्या सावधानी बरतनी है जिस आचार संहिता में? देखिए, उसमें कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कोलाहल अधिनियम है, रात्रि में जो है वो 10 से सुबह 6 के बीच में जो है ध्वनि विस्तारक का प्रयोग ना करें जी। उसके बाद अगर वो किसी तरह के धार्मिक या सामाजिक कार्यक्रम करना चाहते हैं जी, तो स्थानीय प्रशासन से पूर्व अनुमति लें जी जी जी। इस प्रकार की चीज़ें जो हैं वो हमने मीडिया में भी दी हैं और आपके माध्यम से। सर, सोशल मीडिया में क्या क्या सावधानियाँ बरतनी है? देखिए, सोशल मीडिया में इस तरह का कोई भी संदेश नहीं देना है जिससे जो है वो मतलब जिससे जो है आप किसी का दुष्प्रचार करें या मतदान को प्रभावित करने की कोशिश करें जी जी। इस तरह की चीज़ों को नहीं देना है सोशल मीडिया में जी जी। और राजनीतिक दलों को भी सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोकतंत्र के इस महापर्व में जो मतदान की प्रक्रिया है जी, वो शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण और लोकतांत्रिक मर्यादाओं के अनुरूप हो, इसके लिए कटनी पुलिस पूरी तरह कटिबद्ध है, तत्पर है जी। और इसके लिए हमने अलग अलग टीमें बनाई हैं, इसका हम विशेष आपको डिटेल नहीं दे सकते जी जी, क्योंकि ये जानकारी आपके साथ साझा करना हमारे लिए मना जी जी। किंतु मैं आश्वस्त करता हूँ कि हमारे पुलिस को लगातार कार्रवाइयाँ करते हैं। जो भी अवैध कार्य करने वाले लोग हैं जी, अगर वो शराब बेच रहे हैं, अगर वो NDPS बेच रहे हैं, कुछ मादक द्रव्य बेच रहे हैं जी, या ऐसे स्थान जहाँ हमें पता चल रहा है कि कोई कैश दे रहा है, कुछ फ्री बीज बांट रहे हैं जी जी, ऐसी चीज़ों पर लगातार कार्रवाई की जाएगी। अलग अलग टीमें चुनाव आयोग की जो बनी है, SSD की टीमें, इसके अलावा थाने की भी जो पुलिस फोर्स है वो लगातार कार्रवाई करेगी। और आपको दिख रहा होगा कि अलग अलग स्थानों पर कई नाके स्थापित किए गए हैं और उन नाकों के माध्यम से भी पुलिस बल जो